नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। और ये वक्त है तरकश, जिससे निकलेंगे बड़ी खबरों के धारदार तीर, दिखाएंगे वो बड़ी खबरें जिनसे आपका है सीधा सरोकार, वो खबरें जिनका आप पर होगा सीधा असर, और खबरों के इस तरकश में वो खबरें भी होंगी जो खबरों की भीड़ में गायब हो जाती है। उन खबरों की रखेंगे सच्चाई आपके सामने, पहुंचेंगे खबरों की तह तक। शुरू करते हैं तरकश तीर खबरों के, लेकिन उससे पहले देखिए तरकश टॉप 10। दिल्ली हाईकोर्ट से बहुत बड़ा झटका, गिरफ्तारी से राहत नहीं, ईडी को नोटिस, जवाब देने के लिए 22 अप्रैल को अगली सुनवाई। चुनाव से पहले फ्रीज खातों पर छलका कांग्रेस का दर्द, राहुल गांधी बोले झूठ है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, फ्रीज खातों का मतलब है भूखा मारना। खातों को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, टूट चुका है जनता से कांग्रेस का बॉन्ड, राहुल गांधी ढूंढ रहे हैं हार के बहाने। बरेली में पकड़ा गया बदायूं में डबल मर्डर केस का दूसरा आरोपी, हत्या के बाद भाग गया था दिल्ली, बरेली में सरेंडर का था प्लान। पटना में बीजेपी दफ्तर के बाहर इंटर के छात्रों का प्रदर्शन, डिग्री कॉलेज में 12वीं की पढ़ाई खत्म करने का विरोध, शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। धार में कल से एएसआई शुरू करेगी भोटशाला का सर्वे, ज्ञानवापी की तर्ज पर होगा सर्वे, हाई कोर्ट में पेश की जाएगी रिपोर्ट। एमपी कांग्रेस को बड़ा झटका, कमलनाथ के करीबी दीपक सक्सेना ने दिया इस्तीफा, कमलनाथ ने बीजेपी पर लगाया कांग्रेस को कमजोर करने का आरोप। एमपी में लोकसभा चुनाव से पहले दल बदल का दौर, कांग्रेस के साथ सपा बसपा के कई नेता और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल, दो पूर्व आईजी ने भी ज्वाइन की बीजेपी। राजनांदगांव से भूपेश बघेल की टिकट काटने की मांग, कांग्रेस नेता रामकुमार शुक्ला ने खड़गे को लिखा पत्र, कहा एफआईआर के बाद पार्टी को झेलनी पड़ रही है बदनामी। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत की बड़ी मुश्किलें, आयकर विभाग की जांच में बड़ा जमीन घोटाला आया सामने, आईटी ने कार्रवाई के लिए मुख्य सचिव और डीजीपी को लिखा लेटर।